हर कदम के ऊपर दिखते हैं परेशानियां हैं, अटकलें हैं और कुरीतियां और कूटनीति की वजह से के लोग एक जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो नस्ल और फसल की बात है वो तबाह होने के कगार पे है। सिंगरोहा खाप की एक बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई। खाप द्वारा समाज की भलाई के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया गया। इस बैठक में संगठन से जुड़े प्रदेश भर से लोग मौजूद रहे। मंच से सिंगरोहा खाप के प्रतिनिधियों ने समाज में फैली कुरीतियों को भगाने और आपसी भाईचारे की जरूरत पर बल दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों से बचकर समाज के हित के लिए काम करने वालों के साथ जुड़कर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। सिंगरोहा खाप में दहेज और ऐसी अन्य प्रथाओं के खिलाफ युवाओं को प्रेरित किया जाए। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने सरकार पर समाज और किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। देखो जी, मैं दिलावर सिंगरोहा गांव रिटौली जिला रोहतक से, ये जो खाप का गठन हो रहा है इसका मेन उद्देश्य और मकसद है, क्योंकि आप पता है कि संगठन बहुत जरूरी है, निहायत आवश्यक है। किसी भी चीज़ की अगर कोई भी हम काम करते हैं उसमें एक जन समुदाय चाहिए और उसी जन समुदाय का एक रूप समाज के अंदर खाप कहलाता है। तो खाप, क्योंकि आजकल सामाजिक बुराइयाँ हैं, हर कदम के ऊपर दिखते हैं परेशानियाँ हैं, अटकलें हैं और राजसत्ताओं का विरोध और उनकी गलत काले कानून और कुरीतियाँ और कूटनीति की वजह से इतने परेशान हैं कि लोग एक जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, और ख़ासकर एक किसान और जवान तो नस्ल और फसल की बात है वो तबाह होने के कगार पे है। इसीलिए कि आज ये खाप का गठन किया जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध एक समुदाय के रूप में हम खड़े होकर आवाज़ उठा सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें।